तो गाइस इस विंटर की सीजन में मैं कबूतर को कैसे ठीक रखता हूँ आप लोग देखो एक बार, कैसे केयर लेता हूँ कबूतर का। देखो ये लॉफ का दरवाजा को मैं पूरा कवर अप कर दिया, देखो ये इससे ये दरवाजा को, और इधर देखो फिर एक नया लेयर लगाया, ठीक है, एक पर्दा लगा दिया देखो इसके अंदर। और इसके बाद आप लॉफ के अंदर आ जाओ तो देखो इस केज में कबूतर नहीं है, दो एक कबूतर है, ठीक है गाइस। और इधर देखो ये बड़ा वाला केज है, ठीक है, तो इसको देखो कैसे केज को फिर से कवर अप किया, और इसके बाद देखो इस केज को भी कैसे कवर अप कर दिया। देखो तो दिखाते आप लोगों को, यहाँ पर सारे कबूतर है, इस लॉक को देखो, खोलते इसको तो देखो इसको इस तरह से ढक के रखता हूँ मैं। बहुत ही ज़्यादा ठंड यहाँ पर है गाइस, तो देखो यहाँ पर पूरा कबूतर ठीक ठाक ही है। और इधर एक बड़ा वाला बल्ब भी लगा दिया गाइस, इसको एक घर को हीट रखते हैं, ठीक है गाइस, लाइट को ऑन करके रखता हूँ पूरा रात, तो कबूतर को हीट देता है, कबूतर अच्छा रहते हैं, गर्म रहते हैं कबूतर। देखो सारे कबूतर ठीक ठाक ही एकदम पूरा, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई गाइस। और इधर देखो ये पूरा घर गंदा भी हो गया, तो विंटर की सीजन में घर ज़्यादा गंदा होती है, तो घर का भी आप लोगों को क्लीन रखना चाहिए, लॉब के अंदर पूरा क्लीन होना चाहिए, नहीं तो इससे भी कबूतर को बीमारी आ जाती है गाइस। देखो तो आज टाइम मिला है तो चलो फटक से इस लॉब को क्लीन कर लेते हैं। तो देखो गाइस मैं क्लीन करने का सामान लेके आ गया है, तो देखो मैं इसे क्लीन करता हूँ, तो इसको पहले इस तरह से आप लोग पूरा लॉब के अंदर आप लोग को क्लीन करना चाहिए, ठीक है गाइस। तो देखो इससे मैं क्लीन करता हूँ लॉब को, गाइस कितना गंदा है देखो गाइस, तो इसको पूरी तरह से आपको पूरा क्लीन कर लेना है, ठीक है गाइस। तो इसको आप क्लीन करते हैं आप लोगों को उसके बाद दिखाते गाइस, मैं अकेला वीडियो बना रहा हूँ इसलिए दिक्कत हो रहा है। तो देखो गाइस पूरा लॉब को किस तरह से क्लीन कर लिया, देखो देखो पूरा लॉब क्लीन कर लिया एकदम, देखो पूरा कोने कोने पूरा साफ हो गया गाइस। तो इस तरह से आप लोग भी अपना लॉब को क्लीन रखना गाइस, आप लोगों का कबूतर भी ठीक रहेगा। तो देखो ये ठंड की वजह से दो एक कबूतर थोड़ा खराब हो रही है, ठीक है गाइस, इसका हालत कोई दिक्कत नहीं। देखो तो ये कबूतर देखो ठीक ठाक है सारे कबूतर, कोई दिक्कत नहीं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, ठीक है, आप लोगों का कबूतर भी ठीक ही हो गए। तो गाइस आज पूरा दिन इतना ठंडा ज़्यादा है कि पूरा दिन सूरज ही नहीं उठा। तो देखो पीछे कबूतर बंद है, तो सारे कबूतर को पहले छत पे छोड़ते हैं, उसके बाद लॉब के अंदर कर लेते हैं, ठंड की वजह से कबूतर को छत पे नहीं रखूँगा। तो चलो गाइस कबूतर को फटक से छोड़ते हैं छत पे, ज़्यादा देर तक छत पे नहीं रखूँगा, बहुत ही ज़्यादा ठंड है बाहर, तो चलो कबूतर को पहले रिलीज़ करते, जाओ 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 जा रहे, देखो गाइस जा रहे कबूतर बाहर। तो देखो गाइस सारे कबूतर को छत पे छोड़ दिया, जितने भी कबूतर लॉब के अंदर बंद थे, तो देखो कितना तेज़ हवा आ रही है, देखो गाइस बहुत ही तेज़ हवा आ रही है, बहुत ही ठंड लग रही है गाइस। तो कबूतर को ज़्यादा देर तक छत पे नहीं रखूँगा, ठीक है गाइस, थोड़ा ग्रेट ब्रीट खाने दो और एक थोड़ा घूमने दो, उसके बाद ही कबूतर को लॉब के अंदर कर दूंगा, और अंदर ही आज दाना पानी करवाऊँगा कबूतर को। तो पूरा दिन कबूतर बंद है इसलिए कबूतर देखो छटपटा रहे ज़्यादा। तो गाइस अपने लॉब को भी आप लोग अच्छे से क्लीन रखना है इस ठंड के सीजन में, इस ठंड के सीजन में लॉब की गंदगी वजह से बहुत सारे कबूतर को बीमारी होती है, तो आप लोग ट्राई करना अपने लॉब को क्लीन रखने का हमेशा, ठीक है गाइस। तो देखो गाइस ये व्हाइट मादिन को ये नर भगा रहा है, देखो पीछे पीछे ये जोरा अंडा देगा शायद, देखो ये बहुत दिनों से अंडा नहीं दिया, ठीक है गाइस। तो देखो गाइस कबूतर ग्रीड ले रहा है इस साइड पे, और इधर कुछ कबूतर घूम रहा है ऊपर, देखो दो चार कबूतर बैठ गए, ठीक है गाइस। तो आप लोगों को भी कबूतर को गाइस छत पे ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, ठीक है, छत पे हो या नीचे हो, जिसका भी कबूतर जहाँ पर है, वो ठंड के मौसम में ज़्यादा देर तक कबूतर को छोड़ना नहीं है, ठीक है, वो लॉब के अंदर या केज के अंदर बंद कर रखना ही अच्छा है कबूतर को गाइस, नहीं तो इतना ठंड हवा से आप सारे कबूतर को आप बीमारी में आ जाएगा, आप ठीक नहीं कर पाओगे तब। तो कबूतर को थोड़ा केयर करना, ठीक है गाइस। तो देखो यह कबूतर घूम रहे, तो चलो फटक से लॉब के अंदर कर देते और लॉब के अंदर जाके कबूतर को दाना पानी करवा देते। तो गाइस क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा ठंड है हाथ जम जा रहे गाइस, क्या ही बताऊँ, तो कबूतर को क्या प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को पता ही चल गया ना। तो चलो कबूतर को फटक से अंदर कर देते हैं। तो देखो गाइस सारे कबूतर लॉब के अंदर जा रहे हैं, देखो इधर कुछ बैठा है उसको नीचे उतारते हैं, तो कुछ कबूतर तो ऑलरेडी चला गया नीचे, जा 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 जा, देखो गाइस ये कबूतर दो चार ऊपर उड़ रहे हैं, सारे कबूतर को लॉब के अंदर कर लिया और मैं भी लॉब के अंदर आ गए, देखो कबूतर फड़फड़ा रहे सारे लॉब के अंदर, देखो सारे कबूतर घूम रहे हैं। तो चलो लॉब के अंदर ही कबूतर को दाना पानी करवा देते आज, तो चलो गाइस कबूतर को दाना दे देते, देखो गाइस ये लॉफ के अंदर ही कबूतर को दाना दे दिया, सारे कबूतर दाना खा रहे, देखो थोड़ी देर ही बाहर छोड़ा था कबूतर को, और इधर देखो दो चार कबूतर नीचे खा रहे, ऊपर जाओ ऊपर जाओ, तो गाइस ये जा रहे हैं कबूतर ऊपर,
तो देखो ये जंगली के पास से लेके आया था, वो पट्टा कबूतर भी ठीक है। देखो गाइस वो दाना खा रहे सारे कबूतर के साथ। तो देखो गाइस दाना खाने के साथ कबूतर को प्यास भी लग गया। सारे कबूतर देखो पानी पीने के लिए रेडी है। तो देखो मैं नीचे से गर्म पानी लेके आया और इसको पूरा ड्रिंक कर में भर लिया। देखो गाइस तो देखो कबूतर पानी पीने के लिए रेडी है। तो चलो फटक से कबूतर को पानी दे देते हैं। तो देखो गाइस सारे कबूतर को पानी दे दिया, तो बहुत ही ज़्यादा प्यासा था कबूतर। तो देखो कबूतर कैसे पानी पी रहा है। देखो आज सारे कबूतर आके पानी पी रहे हैं, उधर कुछ कबूतर दाना खा रहे हैं। देखो तो ये देखो गाइस मैं काला दाना ले लिया, तो कबूतर तो पीछे दाना खा रहे। तो कबूतर को ठंड के सीजन में कबूतर को काला दाना देना बहुत ही ज़रूरी है गाइस, इससे कबूतर को बहुत ही ज़्यादा गर्म रखती है, कबूतर को फायदा भी बहुत ज़्यादा होती है कबूतर। चलो देते हैं गाइस। कबूतर को मैंने काला दाना दे दिया। देखो गाइस सारे कबूतर काला दाना खा रहे हैं। चलो गाइस अब कबूतर का दाना खाना पूरा कंप्लीट हो गया। तो चलो इस छोले को दे देते हैं कबूतर। देखो छोले खाने के लिए रेडी भी है सारे कबूतर। देखो आओ 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 ले, 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 ले। देखो गाइस ये सारे कबूतर खा रहे हैं। तो कबूतर छोले खाना बहुत ही पसंद करते हैं गाइस। देखो ये सारे कबूतर छोले खा रहे हैं। तो देखो गाइस दाना खाना कंप्लीट होने के बाद ही देखो कबूतर अपने अपने केज में जा रहे हैं। जिसका भी केज है उसका केज में कबूतर जा रहे हैं। देखो अपने अपने केज में कबूतर जा रहे हैं। देखो तो देखो गाइस सारे कबूतर का खाना कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। और देखो वो जो तीन बच्चे हैं वो जंगली के पास से दो बच्चे लेके आया था और एक घर का पट्टा। तो देखो वो जंगली के पास से लेके आया बच्चा देखो खाना सीख गया, अपने आप ही खा रहे। देखो गाइस तो इन तीनों को खाना कंप्लीट होने के बाद लॉफ्ट का पूरा ढक दूंगा